हेलो फ्रेंड्स, किरंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो ये पैटर्न देख रहे हैं, ये मैंने एक शॉल पे डाला था। ये शॉल मैंने किसी वीडियो में लिया था, तो बहुत सारे व्यूवर्स की ये फरमाइश आई थी कि इसी पैटर्न में शॉल बुनना बताया जाए जो मैंने ले रखा है। तो आप इसका बाहर थंबनेल भी देख रहे हैं, ये मैंने ओढ़ा हुआ शॉल तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, ये क्रोशिए का पैटर्न है, तो मैं आपको बहुत बढ़िया ये बुनना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये चौड़ाई में काफ़ी बड़ा है, मैं इतना नहीं बनाऊंगी, मैं इसको आपको छोटा करके दिखाऊंगी बताऊंगी, पर आपको अच्छी तरह से इसका सारा समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले इसका मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बताने जा रही हूँ। अगर आप इंच में देखें तो 30.5 इंच इसकी है चौड़ाई। अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 77 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये मैंने शॉल डबल करके रखा हुआ है, तो ये 36 है, तो इसका डबल कर लीजिए, 72 इंचीज इसकी लंबाई है। अगर हम फिट में देखें तो 6 फिट ये लंबा है, ये वाला निकाल के सिर्फ इसका पैटर्न पैटर्न जो बुना हुआ है ये 6 फिट है, तो ये इसकी लंबाई होगी। आप अपने हिसाब से अब इसकी लंबाई रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसका पैटर्न के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डिज़ाइन है ये इतना इतना पैटर्न है, ये देखिए इतना पैटर्न है, यही रिपीट हो रखा है आगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये, और यहाँ पे थोड़ा सा इधर ये देखिए सेम टू सेम आगे आगे ये पैटर्न रिपीट हो रखा है। तो ऐसे ऐसे वाले मैं अगर आपको बताऊँ, ऐसे वाले इतना पैटर्न जो है ये मैंने 7 इसमें पैटर्न डाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इतना पैटर्न है ये 21 लूप्स में आता है ये वाला। इसमें क्या करेंगे, 21 लूप्स आप जितने आपको ऐसे वाले पैटर्न चाहिए हों, मैंने 7 डाले हैं, तो उतने आप 21 लूप्स ले लीजिए। प्लस ले लीजिए आप यहाँ तक इसका, ये 10 आ रहा है इधर वाला साइड, 10 इधर और 10 दूसरी साइड आ जाएगा, 20 प्लस 20 वो हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाले लेने होंगे आपको उधर वाली साइड के लिए, 4 ये लूप हैं, तो 20 प्लस ये 4 और 21 उतने करते जाएंगे जितने आपको ये पैटर्न चाहिए हों। तो मैं आपको लिख के भी थोड़ा सा बता देती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ये 21 के मल्टीपल पे चलता है, ये 21 के मल्टीपल आप कर लेंगे। ये देखिए मैं इसमें 4 डिज़ाइन डालने वाली हूँ जो मैं शॉल बनाने वाली हूँ। अब मैं छोटे वाला बनाऊंगी, स्टोल बनाऊंगी, तो मैं इसमें 4 डालने वाली हूँ पैटर्न। तो मैंने 21 बार 4 4 लिख, सॉरी 4 बार 21 लिख लिया है। आपको जितना चौड़ा चाहिए हो आप और +21 कर लीजिए, और लास्ट में जो करने के बाद उसमें 24 और प्लस कर लीजिए साइडों के लिए। और इसमें मैं देख रही हूँ कि ये सारा प्लस करने के बाद मेरे पास बन रहा है इसका टोटल 108, तो मैं क्या करूँगी कि 108 चेन्स इसमें डालूंगी स्टार्टिंग में, तो मेरा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई बनाइए, मैंने आपको सारा इसमें बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस शॉल में कितनी वूल मैंने यूज़ की है, जो हमने पहले से बना रखा है। देखिए इसको हम माप के देख लेते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि 613 ग्राम के लगभग इसमें वूल का इस्तेमाल हुआ है, जो हमने पहले से बना रखा है। और अब जो हम बनाएंगे वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, तो उसमें थोड़ी कम वूल लगेगी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसमें कितनी वूल इस्तेमाल हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्रोशिया हुक के बारे में और वूल के बारे में बता देती हूँ जो मैं अभी इसमें यूज करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं यूज करने वाली हूँ वर्धमान की ब्राइलॉन वूल, और मैंने क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है हाया हाया कंपनी का। ये देखिए ये यूरोप की कंपनी है, और मेरे को ये सैंपल भेजे थे इन्होंने क्रोशिया के, और निटिंग नीडल्स के, निटिंग एक्सेसरी बनाती है, बहुत बढ़िया इसके प्रोडक्ट हैं। आप चाहें तो अमेजोन से या इनकी वेबसाइट से इनको खरीद सकते हैं। ये देखिए 3.50 mm का ये क्रोशिया हुक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं, चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1 चेन हो गई और ये 2 चेन हो गई। ये देखिए ऐसे ही करते हुए आप 108 चेन बना लीजिए इसमें,
जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे इसका डिज़ाइन चलना है। 108 चेन बना लीजिए। एक दो अगर फालतू भी बनती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब हम इधर आएंगे तो यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। तो हमें टोटल 108 लूप बनाने हैं, तो मैं इसमें 108 चेन्स डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 108 चेन इसमें चेन्स डाल ली हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे तीन चेन और डालेंगे, 1 2 और ये 3, और ये यहाँ पे आपको जहाँ से आपने पकड़ा है यहाँ पे पहला लूप इसका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये सेकंड लूप है, सॉरी, पहला आपका ये चेन जो आपने तीन डाली हैं ये इसका पहला लूप आएगा, ये इसका सेकंड लूप आएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ऐसे ही करते हुए इसके ये सारी रो बुनोगे, इसमें डबल क्रोशिया करते हुए। ये देखिए पूरी चेन पे आप ये बना लीजिए, ये देखिए ऐसे, ये आपका जो आपने तीन चेन डाली है साइड पे, ये भी एक लूप आपका तैयार हो गया है, 1 2 3 4, ये चार लूप बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे आप आपके 108 लूप टोटल होने चाहिए। तो उधर अगर चेन एक दो बचती भी हैं आपकी तो वो छोड़ दीजिए, आप टोटल या इसको भी काउंट करके 108 लूप्स ऐसे ऐसे तैयार कर लीजिए। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। यहाँ तक ये टोटल 108 लूप बनाए हैं मैंने, डबल क्रोशिया बनाया है ये 108। ये 108 आपको चाहिए होंगे, ये देखिए सारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से जब आपने ये तीन चेन डाल के स्टार्ट किया है तो ये भी आप एक लूप गिनेंगे, इसमें यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, ऐसे 108 लूप टोटल बना के मैंने इसमें ये देखिए तैयार कर लिए हैं एक लाइन। आप चाहें तो इसमें एक लाइन ही रखें, तो मैंने पहले वाले शॉल में भी दो लाइनें डाली हैं, तो इसमें भी मैं दो लाइनें ही डालूंगी। तो यहाँ से मैंने इसको इधर को कर लिया है, अब यहाँ पे डालेंगे हम फिर से तीन चेन, 1 2 और ये 3। तो ये एक लूप ऐसे बन जाता है हमारा तीन चेन डाल के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं डालेंगे हम क्योंकि यहाँ वाला ये लूप तैयार हो चुका है, ये छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे ही करते हुए आप पूरा डबल क्रोशिया इसमें कर लीजिए, पूरी एक लाइन और तैयार कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका डिज़ाइन बताऊंगी। आप चाहें तो इसमें एक ही लाइन भी रख सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये काउंटिंग में आएगा, 1 2 3, 3 लूप आपके बन चुके हैं। ये देखिए, ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शॉल का जो बेस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है तकरीबन। यहाँ तक हमारे 107 लूप हो चुके हैं। तो आप देखिए, ये वाला जो आपका लास्ट वाला रहेगा तीन वाला, तो इसमें भी आपको डालना है, नहीं तो आपके लूप्स कम हो जाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट है, देखिए यहाँ पे डाल के आप डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये आपका शॉल का बेस कंप्लीट हो गया, 108 लूप्स हैं टोटल ये। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको रो को वापस कर लेंगे, तीन चेन बुनेंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन ये इसलिए हैं कि दो इसका लूप आएगा और तीसरे में ये जब आएगा लास्ट टाइम आते बार तो यहाँ पे ये डलेगा, तो इसलिए ये तीन चेन्स डालते हैं। ये देखिए, अब डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में करेंगे। ये दो हो गए हमारे डबल क्रोशिया, 1 और 2, ऐसे ऐसे हमें 6 बनाने हैं, 3, फाइव, फाइव और ये 6।
देखिए ऐसे फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे एक चेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीन छोड़ के, ये देखिए यहाँ पे आपने डाला है 1 2 3, चौथे में हम इसको डालेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें सारे मैक्सिमम तीन ही छोड़ने वाले हैं, फिर इसी में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन डालेंगे, फिर इसमें दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और ये दो बार, यानी कि चार बार हम एक में ही करेंगे बीच में एक चेन डाल के। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से एक चेन डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी दूरी के लिए छोड़ने चार, 1 2 3 4 और ये 5 वाले में इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे और इसमें भी हम चार बार डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे ही। ये आप काउंट करके डालिए, नहीं तो आपका सारा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हमने तीन छोड़ के चौथे में डाला है, यहाँ से हमने चार छोड़ के पांचवे में डाला है, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं, एक बीच में चेन डाल लिया और ये देखिए ऐसे। सिर्फ इस वाले में जो ये वाले दो आएंगे, इसमें जो आएगा गैप वो हमारा चार इसका आएगा, 1 2 3 4 और पांचवें में हम डालेंगे, बाकी जितने में भी हम डालेंगे वो तीन तीन का इसमें गैप आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे 1 2 और ये 3, 3 हमने चेन डाल ली, 1 2 और ये 3, तीन छोड़ के ये देखिए ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे कैसे, फिर हम तीन बुनेंगे चेन, 1 2 3, फिर तीन छोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे फिर ऐसे वाला स्टिच करेंगे, फिर से हम तीन चेन डालेंगे, 1 2 और ये 3 देखिए, और यहाँ से फिर से तीन छोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ चौथे में करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। अब यहाँ पे हम लास्ट बार करेंगे, अब फिर से तीन चेन डालेंगे, 1 2 और ये 3, तीन चेन डालेंगे और तीन छोड़ के, 1 2 3, चौथे में हम डबल क्रोशिया करेंगे, तीन तीन ही है इसका गैप बेसिकली, सिर्फ एक जगह ही चार का गैप है। अब यहाँ पे चार बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन डालेंगे, ये देखिए दो बार करके एक चेन ले लेंगे, फिर से वही पैटर्न अब शुरू हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे चार डबल क्रोशिया कर लिए हमने, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इतना पैटर्न जो है ये देखिए, ये अब फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये आपने डाल लिया है यहाँ पे, ये अब यहाँ से आप फिर से रिपीट करते हुए इस पैटर्न को आगे आगे चलाते जाएंगे। थोड़ा सा मैं बताऊँगी, आगे फिर आप खुद कर लेना। यहाँ पर देखिए एक चेन डालेंगे और यहाँ पे इसका गैप रहेगा चार, 1 2 3 4 और पांचवें में डालेंगे, यहाँ फिर से डबल क्रोशिया करेंगे चार बार और बीच में देंगे एक चेन दो के बाद, ये देखिए ऐसे बीच में एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया दो बार। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना पैटर्न हमने डाल लिया है, अब ये इतना यहाँ से लेके आगे यहाँ तक ये रिपीट होता जाएगा। अब देखिए, ये आपने ये वाला डाल लिया, ये दोनों डाल लिए आपने, अब आप ये डालोगे इसके आगे, फिर ये वाले दो डालोगे, फिर आगे ये ऐसे वाला बनाओगे, तो ऐसे ऐसे आपके चार बन के आएंगे ये वाले।
तो ये आप बना लीजिए, मैं भी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट रो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अराउंड वन जो है इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, धीरे धीरे सरकाती हूँ मैं, ऐसे ऐसे वाले आपके 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे आ गए हैं। ये देखिए पूरा पूरा ये आया, जैसे मैंने आपको 108 लूप बताए थे, तो ये देखिए ये पूरा हो गया, वन राउंड मैंने कर लिया है। आप भी इसको ऐसे ही कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए सेकंड राउंड करते हैं इसका। देखिए इस रो की लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, आप ध्यान रखिए कैसे करना है। ये हमारे देखिए 5 हो चुके हैं डबल क्रोशिया, और ये जो हमने 3 चेन वाला डाला था, 2 चेन ये नीचे को रह जाती है और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया इस पे आता है। ये आप हर बार ध्यान से करिए, नहीं तो आपके लूप्स कम हो जाएंगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी। देखिए राउंड नंबर 2 में हम 3 चेन डालेंगे, जैसे हम डाल रहे हैं स्टार्टिंग से। अब ये वाला यहाँ से छोड़ के यहाँ स्टार्ट करेंगे। दो हो गए ये डबल क्रोशिया, 3, 4, 5 और ये 6 होने वाले हैं। ये देखिए ये हो गए 6। और फ्रेंड्स आगे आपके लिए डिज़ाइन स्टार्ट बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस बन चुका है। अब ये देखिए आपको सीधा सीधा बनाना है। यहाँ पे एक चेन लेंगे, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था, फर्स्ट राउंड में किया था। ये देखिए यहाँ पे वैसे ही डालेंगे, वन टू, दो डबल क्रोशिया कर लिया हमने, एक इसमें चेन आ जाएगी और यहाँ पे फिर से 2 हमारे डबल क्रोशिया आ जाएंगे, सेम टू सेम आएगा। आगे पैटर्न बहुत ही इजी है, बाकी आपका सेम ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक चेन डाल लेंगे और यहाँ फिर से हम 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन डालते हुए चेन डाल लिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, इतना आपका सेम रहेगा। ये देखिए नीचे जैसे बनाया था वैसे ऊपर बनाया सेम। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ फ्रेंड्स आप ये करने के बाद 2 डबल क्रोशिया इसके ऊपर और करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पहला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया वाले बढ़ेंगे, 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशिया आपके यहाँ पे और आ जाएंगे इसके साथ। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही आएगा, 3 चेन डालेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन डालने के बाद यहाँ पे आप ये देखिए इसको छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, पूरा लेते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे, ये चेन आप थोड़े ढीले बनाइएगा। देखिए 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे करेंगे, अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। ये चेन जो हैं ये आपको लूज बनानी है थोड़ी सी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं करेंगे, अब यहाँ पे सीधा ये देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे, यानी कि 2 जैसे उधर बढ़ाए हमने, 2 यहाँ पे भी बढ़ेंगे और फिर बाकी का पैटर्न फिर से यहाँ तक सेम रहेगा। ये देखिए एक कर दिया हमने, इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए, एक चेन आ गई और बीच में फिर से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे,
बाकी सेम रहेगा। बस इतना जो पैटर्न मैंने आपको बीच वाला बताया है उसमें ही चेंजिंग आएगी। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक चेन आएगी, पैटर्न वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और चार डबल क्रोशिया आएंगे इसमें, चार आएंगे, फिर आगे हम फिर डालेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप वही रिपीट करते जाइएगा। ये देखिए सिंगल चेन डाल ली, फिर से डबल क्रोशिया कर लिया इसमें, और फ्रेंड्स अब आपका पैटर्न रिपीट होने वाला है। ये देखिए एक बार दोबारा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डालेंगे एक, यहाँ डालेंगे इसके साथ दो, आपके पास यहाँ पे लूप हैं, और ये डालेंगे। ये देखिए फिर से आपका पैटर्न रिपीट होने लग गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखिए फ्रेंड्स आगे आपको ये वाला पैटर्न रिपीट करते जाना है। ये देख सकते हैं आप, फिर से आपको ऐसे ही आगे डालना है जैसे मैंने ये डाला था। और फ्रेंड्स ये वाला जो है ये सिर्फ इसमें फोर डबल क्रोशिया आएंगे, और लास्ट वाला भी जो होगा इसके साथ उसमें फोर डबल क्रोशिया आएंगे। बाकी जो भी जितने इसमें आएंगे ये वाले फोर डबल क्रोशिया वाले, सब में छः डबल क्रोशिया आएंगे, बीच में आएंगे चार और दो साइडों पे आएंगे। तो ये आप पूरा कर लीजिए इस राउंड को, अब आपके लिए ईजी हो गया, मैंने ये बता दिया। आगे सेम है तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स राउंड टू जो है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ऐसे ये लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं राउंड थर्ड में। देखिए फ्रेंड्स थर्ड राउंड में हैं हम, ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया कर लिया है जैसे हम हर राउंड में कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेन, यहाँ फिर से चार डबल क्रोशिया, और बीच में डालेंगे चेन हम दो के बाद। ये देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है और दिखने में बहुत सुंदर आता है, आप इसको जैकेट पे भी डाल सकते हैं। देखिए इसमें पहले वाले में तो ये देखिए हर राउंड में फोर डबल क्रोशिया भी ही आएंगे, और यहाँ पे सिंगल मैंने चेन ले लिया। अब यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया करेंगे पहले एक ही लूप में जैसे कर रहे हैं, टू चेन, फिर से डबल क्रोशिया दो करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे बढ़ गए हैं, तो ये हमने फोर डबल क्रोशिया कर लिए एक में, अब ये चार आ गए इसमें तो चारों में हम करेंगे डबल क्रोशिया। देखिए एक हो गया, दो, दो हो गए, ये तीन हो गए, पिछले में हमने दो किए थे, अब हमारे पास ये चार हैं तो हम चारों में डबल क्रोशिया यहाँ कर देंगे। देखिए ऐसे अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी ये ऐसे आ रहा है, यहाँ आपके ये चार हो गए थे टोटल, ये यहाँ पे इधर वाली साइड छः हो जाएंगे। तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे, वन टू थ्री, तीन चैन बनाएंगे और सिर्फ ये बीच वाले में करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब फिर से तीन चेन बनाएंगे, वन टू और ये थ्री। अब यहाँ पे हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है वही करेंगे यहाँ पे भी, डबल क्रोशिया करेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, चार डबल क्रोशिया जो हैं इसके बाहर आएंगे, और चार ही हम एक लूप में जो कर रहे हैं स्टार्टिंग से यहाँ पे करेंगे। अब देखना
वन टू, चेन आ जाएगी बीच में, थ्री और ये फोर, ये टोटल डबल क्रोशिया हो गए हमारे आठ। ये देखिए चार ये बाहर को आए हैं और चार ये अंदर वाले हैं जो सबसे पहले हम डाल रहे हैं स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक चेन आ जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगा ये। अब आपका देखिए पैटर्न रिपीट होने लगा है। टू डबल क्रोशिया कर लिया हमने, एक चेन आ जाएगी और फिर से टू डबल क्रोशिया आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए चार डबल क्रोशिया आएंगे अलग अलग, वन टू थ्री और ये फोर। बस अब आपको यही पैटर्न आगे रिपीट करते जाना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब आपको ऐसे ही आगे ये पैटर्न रिपीट करना है। अब ये वाला डालेंगे आगे तीन चेन और यहाँ बीच में डालेंगे। मैंने आपको ये बता दिया इतना पैटर्न, बस आगे आप इसको रिपीट करके राउंड नंबर थ्री भी ख़त्म कर लीजिए, फिर आगे का राउंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए लास्ट तक। अब हम आते हैं चौथे राउंड में। देखिए फोर्थ राउंड है फ्रेंड्स ये। ये मैंने इतना बुन के कंप्लीट कर लिया है ये वाला, थोड़ा सा सिक्स डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया जो हम हर लाइन में एक जैसे डाल रहे हैं। अब आगे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम फोर डबल क्रोशिया कर लेंगे पहले जैसे हम कर रहे हैं। वन टू, सॉरी इसमें एक चेन आएगी, टू के बाद चेन डालेंगे, थ्री और ये आ गया फोर। चार डबल क्रोशिया हो गए एक ही उसमें, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे ये जितने हैं आपके ये कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। यहाँ पे छः, मतलब कि दो दो आपके बढ़ते जाएंगे। सिक्स डबल क्रोशिया आ गए, देखिए ये यहाँ पे पूरा भर गया। ये चार ये हैं और छः ये हैं, टोटल 10 यहाँ पे हो गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक डबल क्रोशिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करना है, ये बहुत ही इजी राउंड है। देखिए वन टू थ्री, तीन चेन डालेंगे और फिर से जैसे आपने इधर किया है वैसे ही यहाँ पे कर देंगे। देखिए छः डबल क्रोशिया करेंगे पहले, वन, अब बीच में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ, टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। सिक्स डबल क्रोशिया आपके अलग अलग आ जाएंगे और यहाँ पे चार डबल क्रोशिया इसके बीच में करेंगे, बीच में एक चैन डालेंगे, वन और ये टू
इसमें एक चेन आ जाएगी और टू डबल क्रोशिया और आ जाएंगे। बस फ्रेंड्स अब आपको यही पैटर्न रिपीट करना है पूरे रो में। ये देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स आपको इतना पैटर्न जो है ये रिपीट करना है आगे आगे। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया था, आगे आगे आप चलते जाइए और ये इतना पैटर्न करते हुए इसको आप कंप्लीट कीजिए। राउंड फोर को ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें फोर्थ राउंड जो है ये सारा कंप्लीट कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, देखिए फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है इसमें पूरा। फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये चार राउंड का है, सिर्फ इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आप डालते जाओगे तो ये डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा। अब ये राउंड वन आप इसमें डालोगे तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो बाकी आपको क्या करना है, राउंड वन टू थ्री फोर इनको आगे आगे रिपीट करते जाना है और आपका ये पैटर्न चलता जाएगा और आपका शॉल बनता जाएगा। तो ज़रा मैं आपको राउंड वन थोड़ा सा रिपीट करके दिखाऊंगी, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स राउंड वन को मैं रिपीट करने जा रही हूँ। ये मैंने यहाँ तक डाल लिया जैसे हम हर राउंड में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चेन डाल लेते हैं, यहाँ पे चार क्रोशिया करेंगे डबल क्रोशिया जैसे कर रहे हैं हम एक ही जगह पे। एक यहाँ पे चेन आ जाएगा और फिर से इसमें दो आएंगे डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ से आगे आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए यहाँ आप थ्री चेन करेंगे। अब वन टू और ये थ्री, थ्री चेन करने के बाद देखिए अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वन टू थ्री और ये फोर, फोर छोड़ के आप इसमें फिफ्थ में डालेंगे और यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, ये आपको ऐसे एडजस्ट करना है जैसे मैं आप बता रही हूँ। फोर चेन छोड़ के आप देखिए वन टू थ्री फोर, फोर छोड़ के फिफ्थ में डालेंगे, फिर आप करेंगे थ्री चेन्स और ये देखिए यहाँ पे वन टू और ये थ्री, थ्री चेन छोड़ के ये बीच में आ जाएगा और फ्रेंड्स ये आपकी चेन्स कवर कर देगा सारी। ये देखिए बीच में आने के बाद ये चेन कवर हो जाएगी, फिर से आप तीन चेन डालोगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग से है तभी मैं आपको ये राउंड फर्स्ट फिर से एक बार दिखा रही हूँ रिपीट करके। अब देखिए आप यहाँ पे वन टू थ्री और ये फोर्थ वाले में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए, और फिर थ्री चेन करेंगे वन टू थ्री और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप फिर से वन टू थ्री फोर, ये छोड़ के इसमें फोर डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था। ये देखिए थोड़ा सा इसमें अलग था तभी मैंने आपको ये बता दिया थोड़ा सा। बस आगे आपका वही पैटर्न रिपीट होते जाना है जो आपने अभी चार लाइनें इसमें डाली हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रो थी वो बेस से किसी और तरह की थी। अब थोड़ा सा जब जैसे हम आगे बढ़ गए हैं तो इसमें जो फर्स्ट रो आएगी थोड़ी सी अलग है इसमें, तभी मैंने आपको ये बता दिया है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स मैंने राउंड वन जो है आपको इतना ये रिपीट करके दिखा दिया है। अब आगे इसको आप ऐसे ही बनाते जाओगे और बाकी के राउंड जो हैं वैसे ही आएंगे जैसे आप इसमें यहाँ से डाले हैं। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क था, ये हमने बेस से स्टार्ट किया था और ये हमारा थोड़ा सा अलग था यहाँ से, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स आप ये फोर राउंड्स हैं वन टू थ्री फोर इनको आगे आगे चलाते जाइए तो आपका पैटर्न आगे आगे चलता जाएगा। तो इसकी शॉल की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए जितनी आपको बनानी है, मैं भी इसकी कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊँगी। तो आप इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।